गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कई सारे बच्चों ने जो है गूगल मीट में क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नहीं अटेंड कर पाए थे, इसलिए मैं ये रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ उनके लिए। कई सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी मेरे पास, वो स्पेशल इसलिए मैं इस क्लास को गूगल मीट क्लास में नहीं लिया, रिवीजन मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो रिवीजन में आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था गूगल मीट में, या फिर जो बच्चे गूगल मीट पर क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे नेटवर्क इश्यूज की वजह से। ओके, सो मैं यहाँ पर क्लास आपकी शुरू करता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। पहली बात तो ये जान लीजिए कि क्या होता है रेशियो, ठीक है। तो इतना डिटेल्ड नहीं होगा, बट इट विल बी ओके फॉर यू जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये जो रेशियो होता है, ये होता है कंपेरिजन। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। तो जो कंपैरिजन मींस तुलना करना किसी दो चीज के बीच में, डिस्टिंग्विश करना कि ये इतनी है तो वो कितनी है, ठीक है, ऐसे करना है डिस्टिंग्विश। तो ये हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसमें मतलब क्लास कर रहे हैं, ये जो कंपैरिजन है रेशियो का, जैसे मान लिया, और इसका सिंबल क्या होता है? कोलन वाला। ये क्या होता है? कोलन। हम लोग इसको डिनोट करते हैं ए रेशियो बी, जिसमें से हम लोग ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कंसीक्वेंट। क्या बोलते हैं बी को? कंसीक्वेंट। ओके, तो ए होता है एंटीसीडेंट और बी होता है कंसीक्वेंट। आप लोगों को मैं एक और बहुत छोटी सी बात बता दूं कि ये जो कंपैरिजन है वो ए और बी के बीच में तभी होगा जब दोनों की यूनिट्स सेम होंगी। क्या होगा? यूनिट्स सेम होंगी। यूनिट्स सेम का क्या मतलब होगा? सबसे पहले तो ये समझिए, यूनिट्स सेम का मतलब ये होता है कि अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए। मींस ये ग्राम में है तो ये केजी में नहीं होगा, ये भी ग्राम में होगा, ठीक है ना। तो आपको यूनिट्स अपने आप बदल लेनी है, यूनिट्स बदलना सबको आता है, ठीक। अब बात समझिए, और इनका सेम यूनिट का दूसरे शब्द में ये मीनिंग है कि एक लीटर दूध और चार केजी राइस, ये कभी भी जो है आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है वेट में, ये वॉल्यूम है और ये क्या है? वेट है। इसलिए ये कभी भी आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकते, ये बात भी आप अच्छे से समझ जाइए। तो आप लोग को मैंने अभी तक जो बताया है कि रेशियो को हम लोग कंपैरिजन कहते हैं, ए रेशियो बी इस तरह के फॉर्म में ये रेशियो लिखा जाता है। पहले वाले ए को बोला जाता है एंटीसीडेंट और दूसरे वाले पार्ट को बोला जाता है कंसीक्वेंट, ठीक है। और ये आपकी यूनिट्स हमेशा सेम होंगे तभी इनके बीच में कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन करने के बाद हमेशा एक चीज याद रखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तीसरा टर्म आ गया है, ध्यान से समझिए, तीसरा टर्म आ चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या आ चुका है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है, अगर कहीं पर आपको दे दिया जाए 4:6। क्या दे दिया जाए? 4:6 मींस आप इसको क्या करेंगे? 2 2 4, 2 3 6। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, इस रेशियो को ए रेशियो बी वी कैन ऑल्सो राइट एज ए अपॉन बी। ये आपने फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे? लोवेस्ट में करते थे, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, बस इतना सा जो है डिफरेंस है। इसलिए इसमें कोई भी आप लोग प्रॉब्लम मत बनिए, समझिएगा कि बहुत प्रॉब्लम है। ये ए रेशियो बी है, यानी ए अपॉन बी, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक बेसिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो रिवीजन क्लास में मैंने ये बेसिक आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दिया है, बट वहीं गूगल मीट में मैंने सिंगल सिंगल बताया था। अब आप समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड की वो ध्यान से देख लें, उनके लिए है ये। देखिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन कैसे होंगे, पहला क्वेश्चन आता है, नोट करिए क्वेश्चन, चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन क्या आएगा? चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, कहीं देगा 4 kg रेशियो 200 g, ऐसे दे दिया, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, चेंज द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हमको इसको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कैसे होगा? ये देखिए केजी में है और ये ग्राम में है, मींस ये पहले चेंज नहीं हो सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले केजी को ग्राम में करेंगे, क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई, ये भी ग्राम में हो गया। अब ये भी क्या हो गया? 200 g, ये भी ग्राम में हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यहाँ पे क्या बचा? 40:2। अब देखिए क्या ये और कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 1 2 2 20, यानी 20:1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब समझ में आया
नहीं आया होगा, नहीं आया तो मैं दूसरी चीज बताता हूं, आप इसको क्या करेंगे 4000 अपॉन 200 लिख लेंगे जैसे फ्रैक्शन में लिखते थे, फिर इसको आप कट करेंगे 200 वन जा 200 और 220 क्या हो जाएगा 220 4000, तो अब ये क्या हो गया 20 अपॉन 1, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 20:1, ये भी एक मेथड है करने का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे और टफ कैसे बनते क्वेश्चन, समझिएगा। देखिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कहीं, ये तो था सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा, इसी तरह नंबर में भी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। अभी समझिए अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन दे दिया जाएगा ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और दे दिया जाए बी रेशियो सी इक्वल टू 5:8, ये आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो अब देखिए हम आपसे क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा जाएगा कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के करने के 4 मेथड्स हैं, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट और बिल्कुल डायरेक्ट मेथड बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमको ये देखना होता है कि अगर ये ऐसे निकालने को आया है तो b कॉमन है, यानी यहाँ भी b क्या होना चाहिए, तो कॉमन होना चाहिए था, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 5 है, तो दोनों को हमको क्या करना है, कॉमन करना है। तो सबसे एक पहला मेथड है कि हम इसको क्या करें, इस 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हमेशा रेशियो में कोई भी काम होगा पूरे रेशियो में होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने आधा रेशियो इधर किया उधर आधा रेशियो का काम किया, ठीक है। सिर्फ ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे भी होगा, यानी ये क्या हो गया 5 2 10, 5 3 15, ये क्या हो जाएगा 3 5 15 और 3 8 20 24, ठीक। अब देखिए यहाँ भी बी 15 है, यहाँ भी बी 15 है, अब ये हो जाएगा आपका आंसर 10:15:24, ये हो गया। अब किसी प्रॉब्लम बताइएगा जरूर, अगर प्रॉब्लम होगी, देखिए सिंपली हुआ है, ठीक है, थोड़ा फास्ट है क्योंकि रिवीजन क्लास है इसलिए इसको मैं फास्ट ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड देखिए बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे लिख लेना है। अब ए रेशियो बी क्या है 2:3, इसके आगे की जगह खाली है तो ऐसे छोड़ दोगे। अब बी रेशियो सी क्या है 5:8, अब इसके इधर पीछे की जगह खाली तो इसको भी ऐसे छोड़ दोगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यही वाला नंबर लिख लेना, यहाँ कुछ नहीं तो यही वाला लिख लेना, अब सबको मल्टीप्लाई कर लेना 5 2 10, 5 3 15 और 8 3 24, ये आपका आंसर आ गया। अब किसी कोई प्रॉब्लम, देखिए आया कि नहीं आया आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, है ना, ये भी एक मेथड है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैं बेसिकली समझा रहा हूँ, बेसिक समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए कहीं 2a = 3b, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2a = 3b और 4b = 7c, ऐसा आ जाए और आपसे फिर क्वेश्चन एक ही पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करिए, ठीक है। कभी कभी ए रेशियो सी भी आ जाता है तो ये नहीं कि बी को हटा देना है, बी हमेशा कॉमन करना पड़ेगा दिमाग लगाकर, ठीक है। अब ये ऐसे दे रखा है तो हम लोग इसको पहले चेंज करेंगे, 2a = 3b मीन्स हो जाएगा a/b = क्या हो जाएगा 3/2, यानी ए रेशियो बी कितना हो गया 3:2, ये आपका एक बन गया। दूसरा समझिए 4b = 7c यानी b/c = 7/4, यानी b/c = 7:4, ये आपका बनेगा। अब देखिए वही वाला जो मैंने लास्ट अभी क्वेश्चन कराया वैसा सिस्टम बन गया है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर। कैसे सॉल्व करेंगे, a b c, ए बी क्या था 3:2, यहाँ पे क्या करेंगे आगे ब्लैंक, ठीक है। अब देखिए 7:4, यहाँ क्या करेंगे ब्लैंक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। अब समझिएगा ध्यान से कैसे हुआ है, 7 3 21, 7 2 14, 4 2 8, सबको समझ में आया कि नहीं आया, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया आपको a:b, अब जब भी आपको a:c भी पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा गया है कि फाइंड a:c तब भी आपको ये पूरा फॉर्म निकालना पड़ेगा, तभी आप a:c
फाइंड करेंगे, ठीक है ना। किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताएंगे। तो ये था नॉर्मल, आपका मैंने बता दिया रेशियो कैसे होता है, ठीक है। मैं प्रोपोर्शन का दूसरा रिवीजन वीडियो बना दूंगा, आप लोग ये रेशियो का वीडियो देख लीजिए कैसा, अगर कोई क्वेरीज आती है तो पूछिएगा। फिर उसी प्रोपोर्शन की वीडियो में मैं एक आध वर्ड प्रॉब्लम भी आपको उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं।